नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। आज भी लोग अंधविश्वास के घेरे में फंसकर बाबा और मौलवियों के शरण में पहुंचते हैं, जहां उनके साथ इलाज के नाम पर विश्वास का खेल खेला जाता है। कुछ इसी तरह का मामला बिहार के भागलपुर जिले में देखने को मिला, जहां एक मौलाना के आश्रम में महिलाएं भूत प्रेत भगाने के साथ साथ अन्य बीमारी से संबंधित समस्या का निजात पाने के लिए जाती हैं, जहां सुबह से शाम तक मौलाना महिलाओं का भूत भगाता है, लेकिन उसके भूत भगाने का तरीका बिल्कुल शर्मनाक है। पहले महिलाओं से नग्न होने की बात कहता है, फिर उसके साथ झाड़ फूंक करते हुए भूत भगाने का दावा होता है, और तो और जब उससे इस बारे में पूछताछ की गई, तो उसने ये कहा कि महिलाओं के नंगा होते ही भूत का साया उसके ऊपर से हट जाता है, जिसके बाद उसे आसानी से भगाया जा सकता है और पीड़िता को जल्द ही बीमारियों से निजात मिलती है। मिली जानकारी के मुताबिक मामला बिहार के भागलपुर जिले का है, जहां गोरडीह स्थित एक मौलाना के आश्रम में इस तरह के अंधविश्वास का खेल चल रहा है। उसके आश्रम में अगल बगल महिलाओं के कपड़े फेंके हुए रहते हैं और यहां खासकर अशिक्षित महिलाओं की भीड़ लगी रहती है। वहां पहुंची एक पीड़िता से जब इस बारे में बात की गई, तो उसने कहा कि उनके घर के बाहर जो कपड़े फेंके हुए हैं वो महिलाओं के हैं और इस बाबा ने भूत भगाने के नाम पर उतरवा दिए हैं। तो महिलाओं के कपड़े उतरवाने के बारे में जब मौलवी से पूछा गया, तो उसने कहा कि हमारे यहाँ विश्वास पर लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं और हम ये नहीं बल्कि किताबों में भी कहा गया है कि महिला स्नान करने के बाद कपड़े उतार कर बैठती है, जिसके बाद वो पवित्र हो जाती है और सारे भूत प्रेत का साया उसके ऊपर से हट जाता है, इसलिए हम ऐसा करवाते हैं ताकि महिलाओं की समस्या का समाधान हो पाए। तो डिजिटल इंडिया में ऐसे बाबाओं का होना अपने आप में तमाम सवाल खड़े करता है। क्या वाकई कपड़े उतारने से महिलाओं का भूत उतर जाता है और क्या वाकई महिलाओं पे कोई भूत होता भी है? डेली डायरी की रिपोर्ट।